नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कुछ वीएलएस भाइयों का क्वेश्चन था कि भी हमें पता नहीं चल रहा है ये थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस है या फिर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, मतलब उनको डिफरेंशिएट नहीं पता चल रहा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आप अपने सीएसई पोर्टल को ओपन करिए, इंश्योरेंस पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे भी लिखा आता है मोटर कॉम्प्रिहेंसिव और मोटर थर्ड पार्टी। अब ये देखिए, जितने भी कंपनियां आपके पोर्टल पे एक्टिवेट होंगी जब आपका रैप एग्जाम क्लियर हो जाएगा सीएससी से, तो वहां पे क्लिक हेयर ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप उस पे क्लिक हेयर कर दीजिए। जैसे एचडीएफसी है, इफको है, यूनिवर्सल शोम्पो है। मैं अभी आपको आज सिर्फ एक नॉर्मल डिफरेंस बताऊंगा, और कुछ मैंने ऑनलाइन अभी पीडीएफ भी चेक किया है, वहां से भी आपको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आप जिसी पे भी बॉय करेंगे, ये आपको मतलब कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट पार्टी पॉलिसी करेगा। जब आपको थर्ड पार्टी करना है, सिर्फ और सिर्फ चालान से बचना है, तो ये देखिए मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा जो नीचे ऑप्शन आ रही है। हर एक कंपनी में ऐसे रहेगा थर्ड पार्टी के लिए और उसके लिए। मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ इफको है, हम इफको पे भी क्लिक कर देते हैं, लॉग इन विद डिजिटल सेवा। तो यहाँ पे भी ये देखिए, ये मोटर कॉम्प्रिहेंसिव है, टू व्हीलर प्राइवेट कार, मतलब इसमें आपका फर्स्ट पार्टी प्लस थर्ड पार्टी वो रहेगा। जो मोटर थर्ड पार्टी रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका थर्ड पार्टी है, आप सिर्फ चलान से बच जाएंगे, ठीक है। उसमें क्लेम नहीं मिलेगा आपको आपकी बाइक का थर्ड पार्टी में। लेकिन अगर आपका पॉलिसी जीरो डेप्थ मोटर कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर जीरो डेप्थ बम्पर टू बम्पर है, तो आपका वो जो बाइक का नुकसान होगा उसके अगेंस्ट उसमें आपको क्लेम भी मिलेगा एज पर पॉलिसी जो भी है। और मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है, कुछ वेलिस पूछ रहे हैं, वो पॉलिसी लेके आते हैं, हमें पता नहीं चलता उनका कौन सा पॉलिसी। तो ये देखिए, मैंने ऑनलाइन ये भी गूगल पे सर्च किया था, तो ये किसी कंपनी का इंश्योरेंस है। इसमें ध्यान दीजिए, जहां पे आपका प्रीमियम कैलकुलेशन होगा ना, टोटल प्रीमियम जैसे इन्होंने बताया इनका ये है 1,055, तो इसमें देखिए लेफ्ट साइड में है ओडी प्रीमियम 165 कुछ ओडी प्रीमियम है, और ये राइट साइड में है बेसिक थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। तो ध्यान रखिए, जो ये लाइबिलिटी में है ना 720 रुपये, ये आपका थर्ड पार्टी का जो लाइबिलिटी है इसका प्रीमियम है, और ओडी ओन डैमेज में आपका 165 है। तो जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होगा दोस्तों, उसमें आपका ओडी प्लस लाइबिलिटी प्रीमियम दोनों आपको दिखाएंगे, और जो सिर्फ और सिर्फ आपका थर्ड पार्टी पॉलिसी होगा उसमें आपको थर्ड पार्टी की साइड में जो लाइबिलिटी प्रीमियम है यही दिखेगा, उसमें ओडी प्रीमियम जीरो होगा। ये ध्यान रखना है बस आपने। ऐसी एक और पॉलिसी है, ये देखिए, जैसे इसमें ओडी प्रीमियम इन्होंने दिया हुआ है, गाड़ी की वैल्यू भी बताई होगी कहीं ना कहीं ऊपर, तो ये व्हीकल का ये देखिए इन्होंने ओडी प्रीमियम लिया हुआ है 210 रुपये इन्होंने, और नीचे इन्होंने बेसिक जो टीपी प्रीमियम है वो 720 है। मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ जो लाइबिलिटी प्रीमियम होता तो आपका ये थर्ड पार्टी होता, उसमें ओडी प्रीमियम का अमाउंट ऐड होनी होता। ऐसे ही ये मैं एक और देख रहा था, तो मेरे को नॉर्मल उसका मिला नहीं कोई, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं। जो भी कस्टमर पॉलिसी लाता है, ऊपर टॉप पे भी लिखा होता है वैसे, ये देखिए ये क्या है, पैकेज पॉलिसी है। जो थर्ड पार्टी होगा ना, उसमें लाइबिलिटी या थर्ड पार्टी बिल्कुल टॉप पे लिखा होता है। इसमें स्मार्ट ड्राइव ये भारतीय है, ये इसमें ऐसा नहीं लिखा है, बट इसमें हमें नीचे से पता लग गया ओडी प्रीमियम और लाइबिलिटी प्रीमियम दोनों दिए हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, अगर थर्ड पार्टी होता तो यहाँ लाइबिलिटी पॉलिसी या थर्ड पार्टी पॉलिसी लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ वीएलएस भाइयों का क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा पॉलिसी गुम हो गया लेकिन हमें पॉलिसी नंबर चाहिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।